शट डाउन पॉइंट लिखिए, शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट मीन्स means the point of sale at which one is indifferent whether to continue और शट डाउन बिजनेस। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल एट विच वन इज इनडिफरेंट वेदर टू कंटिन्यू और शट डाउन बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी सेल इतनी ही होगी तो चाहे हम बिजनेस को बंद कर दें या फिर बिजनेस को कंटिन्यू रखें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताइए, अगर हम बिजनेस चालू रखें या बिजनेस बंद रखें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? हमें कब नहीं फर्क पड़ेगा बिजनेस चालू रखें या बंद रखें? हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्क नहीं पड़ता जब बिजनेस बंद करने पे भी उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस चालू करने पे मिलता है। ठीक है, यानी शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट व्हेन बिजनेस कंटिन्यूड इज इक्वल टू प्रॉफिट व्हेन बिजनेस शट डाउन। प्रॉफिट व्हेन बिजनेस कंटिन्यूड इज इक्वल टू प्रॉफिट व्हेन बिजनेस शट डाउन। बताइए, जब हम बिजनेस को शट डाउन कर देंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? जब हम बिजनेस शट डाउन कर देंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं। जब बिजनेस बंद कर देंगे तो हमें प्रॉफिट कुछ थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, और बताइए, ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जब हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो भी प्रॉफिट निल होता है? उस पोजीशन को क्या कहते हैं जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और प्रॉफिट निल होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये बात हो रही है ब्रेक इवन पॉइंट की। यानी शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए हम रिपीट करते हैं, आपने क्या लिखा है अभी तक? हमने आपको लिखा है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है वो कौन सी सेल यूनिट होगी जिस पे बिजनेस को बंद कर दिया जाए या चालू रखा जाए, बिजनेसमैन को फर्क नहीं पड़ता, चाहे बिजनेस चालू रहे तो भी उतना ही मिलेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा। बिजनेस बंद हो जाएगा तब तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बिजनेस चालू रहेगा तब हमें कब ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जब हमें बिजनेस चालू रखने में भी कुछ नहीं मिलता। यानी ब्रेक इवन पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे बिजनेसमैन बिजनेस को कंटिन्यू रखे या बिजनेस को बंद कर दे, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए मेरे बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी के लिए, मेरे बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी के लिए 5000 यूनिट की सेल चाहिए और हमें लगता है कि अगले साल हम 5000 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, बस 5000 यूनिट ही बेच पाएंगे, तो जब बताइए बिजनेस कंटिन्यू करें या बंद रखें कोई फर्क पड़ता है क्या हमें? नहीं। हम बिजनेस चालू भी करेंगे तो बस वही रिकवरी कर पाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड की और मेरा प्रॉफिट निल रहेगा। बिजनेस बंद रखेंगे तो कोई खर्चे ही नहीं होंगे, कोई रेवेन्यू नहीं आएगी, मेरा प्रॉफिट निल होगा। तो शट डाउन का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन शट डाउन का मतलब हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी हम बिजनेस को बंद कर देते हैं तो भी कुछ खर्चे लगते हैं। जैसे हमने जगह किराए पे ले ली है और हमें उसका रेंटल पे करना ही है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट का तो मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस।
अब बताइए क्या ये दोनों पोजीशन बराबर होगी? हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट हम अचीव कर लेंगे अगर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो यानी प्रॉफिट कितना होगा? निल। और अगर हम बिजनेस बंद कर देंगे, अगर हम बिजनेस को शट डाउन करते हैं, तो ऐसी पोजीशन क्या होगी? हम बिजनेस बंद कर देंगे तो 50,000 रुपए का मेरा रेंट का खर्चा पे करना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपए का हमको लॉस होगा। क्या ये दोनों पोजीशन बराबर है? नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते कि शट डाउन पॉइंट क्या है मेरा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे आप फायदे में हो। हम ब्रेक इवन पॉइंट पे फायदे में है। कैसा फायदा है? बिजनेस बंद कर देंगे तो 50,000 का घाटा है, हम उस घाटे को तो रिकवर कर ले रहे हैं बिजनेस चालू रखने में। यानी बिजनेस चालू रखना और बिजनेस बंद रखना बराबर बात नहीं है। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है धंधा बंद रहे या चालू रहे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। शट डाउन पॉइंट अब क्या होगा? अगर धंधा बंद होता है तो ऐसे में 50,000 का घाटा, अगर धंधा चालू रहे तो भी 50,000 का घाटा, जिस सेल यूनिट पे होगा वही सेल यूनिट क्या कहलाएगी मेरे लिए? शट डाउन पॉइंट, ठीक है बात। अगर बिजनेस बंद करने में आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता तो ऐसे में हम कहते हैं बिजनेस बंद करने का प्रॉफिट निल है, और बिजनेस चालू रखने का भी प्रॉफिट निल कब होगा? बिजनेस चालू रखने का प्रॉफिट निल होगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है मेरे लिए शट डाउन पॉइंट। लेकिन इन केस आप ये कहते हो बिजनेस बंद करेंगे तो 50,000 का घाटा, तो बिजनेस चालू करेंगे तो कब 50,000 का घाटा होगा? बिजनेस चालू करने पे जितनी यूनिट की सेल पे 50,000 का घाटा होगा वही मेरे लिए क्या है? शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब इनडिफरेंट ओपिनियन, हम चालू रखें बंद रखें फर्क नहीं पड़ता। तो जितना आपको आ रहा है बिजनेस घाटा बिजनेस बंद करने पे, उतना ही आपको आना चाहिए बिजनेस चालू रखने पे। तो अब हम लोग किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे कंप्यूट करेंगे? ऐसे समझ लीजिए, हम बिजनेस चालू रखते हैं तो मेरा फिक्स्ड खर्चा होता है 50,000 रुपए का, 2,50,000 रुपए का, ठीक है बात। अब बिजनेस बंद रखते हैं तो मेरा फिक्स्ड खर्चा कितना होता है? तब मेरा फिक्स्ड खर्चा होता है 50,000 रुपए का। बड़े सारे फिक्स्ड खर्चे जो हैं वो कमिटेड हैं पहले से, तो 50,000 रुपए का खर्चा तो होगा ही चाहे हम बिजनेस बंद भी कर दें। और वैसे खर्चा कितना होता है मेरा फिक्स्ड? 2,50,000 रुपए का अगर बिजनेस चालू रखेंगे तो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है 2,50,000 रुपए के फिक्स्ड खर्चे की रिकवरी हो गई, ठीक है। 2,50,000 रुपए के फिक्स खर्चे की रिकवरी जब हो जाएगी तो हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ये बताइए अगर हम फिक्स कॉस्ट सिर्फ 2,00,000 रुपया रिकवर करेंगे तो क्या होगा? तो 50,000 का घाटा हो जाएगा। हम फिक्स कॉस्ट अगर 1 रुपया रिकवर ना करें तो क्या होगा? तो 2,50,000 रुपया का घाटा हो जाएगा। अगर हम 1 रुपया का भी फिक्स कॉस्ट रिकवर ना करें तो हमें 2,50,000 का घाटा हो जाएगा। हम 1 रुपया का फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लें तो क्या होगा? 2,49,000 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगर हमें 50,000 रुपए का घाटा चाहिए तो हमें फिक्स कॉस्ट कितना रिकवर करना होगा? हमें 2,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी होगी। तो अब शट डाउन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? अब शट डाउन का फॉर्मूला बन जाएगा शट डाउन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट which shall be incurred after shutdown, fixed cost minus fixed cost which shall be incurred after shutdown divided by contribution per unit. ध्यान दीजिए ये कैसे बना फॉर्मूला। देखिए अगर मान लीजिए बिजनेस बंद करने पे कोई भी खर्चा नहीं होता, बिजनेस बंद करने पे कोई भी खर्चा नहीं होता, तो इनडिफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जब हम बिजनेस चालू रखेंगे तो भी प्रॉफिट निल, और अगर हम बंद कर देंगे तो वैसे ही प्रॉफिट निल होता है क्योंकि खर्चा नहीं है मेरा। तो ब्रेक इवन पॉइंट ही तो आपका शट डाउन पॉइंट होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेसिकली इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट जो आप कंप्यूट कर रहे हो वो सेल यूनिट में आता है। जब हम सेल यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कंट्रीब्यूशन।
सेल यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो हम कहते हैं ब्रेक इवन का मतलब होता है जब कंट्रीब्यूशन हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर हम पूरा पूरा फिक्स्ड कॉस्ट अपने कंट्रीब्यूशन से रिकवर कर लिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हम जितना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं करेंगे उतना हमें क्या होगा? लॉस होगा। अगर 2.5 लाख रुपया, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट 2.5 लाख रुपया हमें रिकवर करना है तो हम 2.5 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे। अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए सिर्फ 2 लाख रुपए रिकवर करना है तो हम क्या लिखें यहां पे? 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर शटडाउन पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 50,000 रुपए का आपके पास घाटा होने वाला है बिजनेस बंद करने पे भी, तो हमको बिजनेस चालू रखने पे भी क्या चाहिए कि कब 50,000 रुपए का घाटा होगा, ठीक है। अब 50,000 का घाटा कब होगा हमें? हमें 50,000 रुपए का घाटा तब होगा जब हम 50,000 रुपए के फिक्स खर्चों की रिकवरी कम करेंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया? फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट विच शैल बी इनकर्ड आफ्टर शटडाउन पॉइंट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है बात सबको?